हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप। मैं हूं भगवान नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बैंकिंग रिलेटेड वीडियो है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया अपडेट लेकर आया है सभी बैंक का ऊपर। अगर ये अपडेट फॉलो नहीं करते हो तो उनको पेनल्टी देना पड़ेगा। अपडेट क्या है और अगर ये जो रूल्स को बैंक वालों ने फॉलो नहीं किया तो उनको कितना पेनल्टी लग सकता है, ये वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। और दोस्तों, जब भी आपको कैश की ज़रूरत होती है तो आप क्या करते हो ना, आप एटीएम जाते हो कैश निकालने के लिए। और आप देखते होंगे कि ज़्यादातर बैंक अपना एटीएम पर एक बोर्ड लगा देते हैं कि नो कैश, नहीं तो आउट ऑफ सर्विस। तो तभी आप बहुत परेशान होते होंगे। तो इस मुद्दे को लेकर आरबीआई ने एक बढ़िया ही रूल्स बनाया है बैंक का ऊपर कि किसी भी एटीएम में महीने में अगर 10 घंटे या 10 घंटे से ज़्यादा डाउन टाइम रहता है कैश आउट की वजह से तो बैंक ने आरबीआई को पेनल देना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं वीडियो के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कि जो आरबीआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगस्त 10th में ये जो अपडेट आया था आरबीआई से, लेकिन मैं वीडियो लेट में बना रहा हूँ इसलिए सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि 2 हफ्ते से मेरा जो तबीयत ठीक नहीं था, सर्दी जुकाम की वजह से मेरा जो गला एकदम ख़राब हो चुका था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसलिए मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक बहुत ही लंबा सा चौड़ा सा सर्कुलर आया है आरबीआई की तरफ से। अगर मैं आपको पूरा पढ़ के समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्टकट में समझाने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि एटीएम में जो डाउन टाइम होता है कैश आउट की वजह से, जिस वजह से कि कस्टमर को ज़्यादा परेशान होना पड़ता है और असुविधा होता है, वो सब अवॉइड किया जा सकता है। दोस्तों, जो पॉइंट नंबर 2 में ये मेंशन किया हुआ है कि जो भी थर्ड पार्टी एटीएम ऑपरेटर यानी व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर होते हैं उनका सिस्टम को स्ट्रेंथन करें और अच्छी तरह मॉनिटर करें ताकि ये जो कैश आउट प्रॉब्लम दूर हो सके, और टाइम टू टाइम एटीएम में कैश लोड कर देना है ताकि जो आते हैं कस्टमर उनको दिक्कत ना होना पड़े। और अगर कोई भी एटीएम बैंक वालों ने ये जो रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उनका ऊपर स्ट्रिक्टली सीरियसली एक्शन लिया जाएगा। और दोस्तों, ये जो यहाँ पर इफेक्टिव डेट में मेंशन किया हुआ है कि ये जो स्कीम लागू होगा अक्टूबर 1, 2021 से सभी बैंक पर। और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कंडीशन कि जो भी कस्टमर आते हैं अमाउंट विड्रॉ करने के लिए तभी ड्यू टू कैश आउट की वजह से अमाउंट विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, उसी सिचुएशन में ये जो रूल्स लागू होगा बैंक का ऊपर। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोसीजर में ये बताया है कि जो डाउन टाइम होता है कैश आउट की वजह से तो उसका जो एक सिस्टम जनरेटेड स्टेटमेंट बैंक ने आरबीआई को सेंड करना होगा एवरी मंथ 5th से पहले। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि अक्टूबर महीना का जो स्टेटमेंट जनरेट होता है उसको आरबीआई को सबमिट करना होगा नवंबर 5th या 5th से पहले। दोस्तों, यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बैंकों को कब पेनल्टी देना पड़ेगा आरबीआई को, यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी बैंक का एटीएम महीने में 10 घंटा या 10 घंटे से ज़्यादा कैश आउट होकर रहता है, सो उस स्थिति में बैंक वालों ने आरबीआई को पेनल्टी देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आरबीआई ने बहुत ही अच्छा बड़ा एक्शन लिया है कि जब हम बैंक चार्ज लगवाते हैं, जैसे कि कैश विड्रॉ के लिए चार्जेस, एटीएम कार्ड के लिए चार्जेस, मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो उसके लिए चार्जेस, इतना सारा सर्विस चार्ज लेते हो तो हमको सर्विस देने के लिए क्या होता है, तो ये एक बड़ा झटका हो सकता है आरबीआई ने लगाया है बैंक के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हो कि अक्टूबर 1 के बाद में इतना सारा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, सभी एटीएम में कैश अवेलेबल रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो इतना है, था उम्मीद है कि वीडियो को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय।